नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नव हाल ही में क्या हुआ, अमेरिका का जो ड्रोन है MQ-9 रैपर वो उड़ रहा था ब्लैक सी के ऊपर। अब ब्लैक सी जो है वो अगर आप मैप में देखोगे तो वो ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है, यानी रसिया से सटा हुआ है, और उसकी सीमाएं लगती हैं तुर्की, इसके अलावा यूक्रेन और क्रीमिया से भी लगती हैं, जो कि रसिया के कंट्रोल में है प्रेजेंट टाइम में, और इसके अलावा और अन्य नेशन से लगती हैं। तो जो तुर्की है ये नॉर्थ अंटार्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा है, यूएसए लिटरली लीड करता है नाटो को। तो इस वजह से यूएसए का MQ-9 रैपर डेली रूटीन पे सर्विलांस कर रहा था और ब्लैक सी के ऊपर उड़ रहा था, लेकिन वो ज़्यादा पास पहुंच गया ऐसा रशियन अथॉरिटी का कहना है, जो क्रीमिया का पेनिसुला है उसके आसपास में। इस वजह से रसिया के सुखोई 27 ने मारकर गिरा दिया। अब उसने मारकर कैसे गिराया है, कोई हथियार यूज नहीं किया है, उसने क्या किया, बहुत सारा फ्यूल ड्रॉप कर दिया उसके ऊपर। इस वजह से उसका विजिलेंस और कम्युनिकेशन दोनों एक साथ में ठप पड़ गया और ऐसे में वो डूब गया ब्लैक सी में। अब इसमें क्या हुआ कि रसिया ने इसलिए इसको ऐसा किया क्योंकि उसको ये भी दिखाना था कि हमने इंटरनेशनल लॉ का कोई उल्लंघन नहीं किया है, कोई रॉकेट नहीं मारा है, कोई हथियार यूज नहीं किया है, और बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग लगा के MQ-9 रैपर जो अमेरिका का था उसको डुबो दिया है। अब प्रथम दृष्टया तो ऐसा लग रहा है कि फ्यूल डाल के फूंक दिया होगा, क्योंकि ऊपर से फ्यूल डाला है, एक नहीं बल्कि दो दो सुखोई 27 उड़ाए गए, उसके ऊपर उन्होंने फ्यूल ड्रॉप कर दिया जो MQ-9 रैपर था, और उसके बाद में उसको डुबो दिया। अब है क्या, ब्लैक सी तो रसिया के पश्चिम साइड में पड़ता है और रसिया का हमेशा वहां पे एक वॉरशिप भी खड़ी रहती है, तो अब क्या होगा कि जो उसका मलबा है वो रसिया बहुत आसानी से निकाल लेगा। यूएस को वहां से आना पड़ेगा, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। एक तो रसिया का कहना ये है कि आप यहाँ पे क्यों आते हो बार बार, बहुत सारा जब सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कि लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि अमेरिका का MQ-9 रैपर यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन अमेरिका का कहना है कि हम इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ रहे थे, इसमें रसिया का कुछ स्पेशली पर्सनल कुछ नहीं जाता, इस वजह से वो हमें रोक नहीं सकता है। लेकिन रसिया का कहना है कि जो क्रीमिया का पेनिनसुला है उसके करीब ये लोग उड़ रहे थे, उसमें कोई ओवरहेड तो नहीं लगाता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कम्युनिकेशन स्किल उसकी इतनी स्ट्रांग है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारी निकाल सकता था, इस वजह से हमने उसको मारकर गिरा दिया है। अब इसको लेकर यूएस और रसिया में बहुत ज़्यादा तनाव है, जो रसिया के एम्बेसडर टू अमेरिका हैं उनको तलब किया गया है और उनसे सवाल जवाब किया जाएगा और कड़ा प्रतिरोध जताया है यूएसए ने। इसके अलावा जो यूएस के एम्बेसडर टू रसिया है उन्होंने भी रशियन गवर्नमेंट से बातचीत करी है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री होती है उससे, कि आप इस तरह से कैसे कर सकते हो। जो यूएस यूरोपियन एयर फोर्स के कमांडर थे अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि जो सुखोई 27 है उसका भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि वो क्रीमिया में सुरक्षित लैंड कर गया और इनका जो MQ-9 रैपर था वो डूब गया ब्लैक सी में। MQ-9 रैपर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है जिसको हम ड्रोन बोलते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है प्रेजेंट टाइम में, उसके आसपास कोई ड्रोन नहीं भटकता है फिलहाल के लिए, इतनी हैवी टेक्नोलॉजी है उसकी। उसका जो स्पोर्ट वर्जन है वो इंडिया खरीदेगा, 30 खरीदने वाला है प्रति एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल MQ-9 रैपर, $100 मिलियन का इंडिया को पड़ेगा, यानी अगर 30 MQ-9 इंडिया खरीदता है तो $3 बिलियन का पड़ने वाला है। लेकिन जो मारकर रसिया ने गिरा है उसकी एस्टिमेटेड प्राइस 30 मिलियन के आसपास मानी जा रही है, वो थोड़ा सस्ता था, हो सकता है उस पर क्योंकि ओवरहेड वगैरह लगा के ये इंडिया को देंगे तो ये $100 मिलियन का प्रति एक देने वाले हैं, लेकिन जो फिलहाल गिराया गया है वो $30 मिलियन का था, लेकिन फिर भी काफ़ी कॉस्टली था। और इसमें क्या है, अमेरिका के लिए एम्बैरेसमेंट की बात है, अमेरिका का कहना है कि ये लिटरली एक अनप्रोफेशनल एक्ट किया गया है रसिया के एयरफोर्स द्वारा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। रसिया का कहना है कि वो हमारे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हार्म कर रहे थे, क्रीमियन पेनिनसुला के बहुत नज़दीक उड़ रहे थे, इसलिए हमने मार के गिरा दिया है।